नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने पर क्षेत्रीय किसानों ने उनका फूलमालाओं के द्वारा स्वागत किया और क्षेत्रीय किसानों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल ने आज मुरादाबाद के कई जनपदों का दौरा भी किया। आपका नाम क्या है? पहले तो आप सरदार गुरमुख सिंह जी। गुरमुख सिंह जी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? अन्नदाता किसान यूनियन के। अच्छा, जिस तरह देश के अंदर कृषि कानून वापस लेने के लिए किसान अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, सरकार भी अपनी जीत पे अड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कृषि बिल हैं बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये हमारे बिल पास हुए नहीं है, सरकार ने पास किए, सरकार ही वापस लेगी। तो इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है, जो सरकार ने कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने ये जो कानून जो कहा है कि भाई हम जो है वापस नहीं लेंगे, और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो धरना आप जो है 27 जो चला सकते हैं, आप रोड पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो जो उन्होंने जो कमेटी बनाई है, उस जो हमारे संगठन हैं उनमें किसी का भी किसी की सलाह से कमेटी नहीं बनाई गई, और वो उनके अपने ही आदमी हैं, उनका हमारा किसी ने हम सभी ने उनको इग्नोर कर दिया है। वो हमारा कमेटी से उनका कोई लेन देन नहीं, ना हम उनको मानते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप लोग धरना कर रहे हैं, कितनी बार आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है, क्या अब सरकार मानेगी 19 तारीख में? देखो, हम तो यही उम्मीद लेके जाते हैं, 11वीं बार है हमारी जो मीटिंग है, 19 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसके अंदर हम तो यही आशा लेके जाएंगे कि भाई मोदी साहब जो है हमारी बात मान ले। जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे और 40 डिग्री के बजाय बैठे थे, आज 2 डिग्री में भी बैठे, 4 डिग्री भी वहाँ बैठे, ठंड के मौसम के बैठे, हम तो यही अनुरोध करते हैं मोदी जी के, जो आप जो है ये काले कानून जो है, जो कोई किसान नहीं चाहता था, ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी बल्कि नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, तो इसको आप वापस ले लो। हम तो यही जो सारे जो है आल प्रदेश उनको रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जितना चिर वो हमारी बात नहीं माने। अच्छा, सरकार का कहना है कि ये कृषि बिल किसानों के लिए फायदेदायक है। अगर ये फायदे के लिए होते तो आपको पता है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, यही कानून जो है 2006 के अंदर इसमें बिहार के अंदर भी लागू है, और वहाँ का जो किसान है वो मजदूर बन के क्यों पंजाब हरियाणा के अंदर जा रहा है कि वहाँ का जो धान है उनका जो 1200-1300 रुपये रेट बिकता है, जो कि हमारा पंजाब के अंदर जो 1888 रुपये रेट है, तो उनको मार पड़ी हुई है ना, उनको बचता क्या है? तो उनको पता लग चुका है कि वहाँ के जो 2006 के अंदर जो बिहार का जो कानून जब बनाया गया था वो किसानों के लिए जो है फायदेमंद नहीं है, तो आज वही कानून जो है सारे प्रदेश में मोदी जी ने ये लागू कर दिया है, और अडानी बानी के दोनों ही जो एक इतने बड़े जो धनवान है और उनको ये दे रहे हैं। और ये कानून तो चलो आज पास हुआ है, ये तो 2016 के अंदर जो जगह जगह पे जो है पहले ही अडानी वानी जो गोदाम बने हुए हैं, जगह जगह 100-100 एकड़ के अंदर बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, और जो है जगह जगह जो रेलवे जो है जो भीम गोदाम बन चुके हैं, और जगह जगह के अंदर इतने इतने बड़े गोदाम हैं कि बता नहीं सकता, हर जो है हरियाणा पंजाब के अंदर जो बन चुके हैं, हर जिला के अंदर बन चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई है, तो कोई मंत्री सरकार का या कोई नेता वहाँ देखने के लिए वहाँ पहुँचा तो ज़्यादा नहीं? ना जी, आज तक कोई नहीं पहुँचा, और कम से कम ज़्यादा नहीं, हमारे 60-65 जो जवान हैं बुजुर्ग हैं वो सब आज शहीद हो चुके हैं, और मोदी जी एक बार किसी का भी जो आदमी है वो वहाँ नहीं पहुँचा, पता भी करने नहीं आया, कभी श्रद्धांजलि भी नहीं दी उन्होंने। और आपको पता है अभी अडानी बानी का पोता हुआ था, और जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहाँ गए हुए हैं देखने के लिए। अब बताओ, एक आदमी खुशी के अंदर गमी के अंदर जो किसान जो है वहाँ सड़कों में बैठे हुए हैं, और वहाँ तो किसी का कोई भी मंत्री जो वहाँ किसी को दिलासा देने के नहीं आया, कभी नहीं कहा कि मैं अफसोस भी करता हूँ कि भाई जो है ये अच्छा बात नहीं है कि भाई जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, ऐसा कभी भी आज तक भी बयान नहीं हुआ कभी इन्होंने कहीं एक भी किसी आदमी भी नहीं कहा। अच्छा, कारण क्या है जो सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है और किसी बिल वापस नहीं ले रही है? देखो, अब तो ये हम क्या कह सकते हैं, वो बताया मैंने कि भाई जो स्कीम इन्होंने पहले बना रखी है, ये कानून तो अब हुआ है, आपको पता है कि 2019 के अंदर 22 अक्टूबर के अंदर कृषि मंत्री तोमर जी ने एक बात कही थी कि भाई उनसे पूछा गया था
कुछ संगठन के आदमी बैठे थे, वैसे जो सवाल जवाब किया था, आप बताइए कि जो ये जो किसान की परिभाषा बताइए आप क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये राज्य का जो है ये मसला, ये राज्य का है, तो ये राज्य के ही लोग जो है मुख्यमंत्री बताएं, इसमें मेरा कोई वो उनसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा क्या इनके पास वो एक वो छड़ी थी जो उसके अंदर देख के इनको पता लग गया भी ये जो कानून है ये है जो किसानों के फायदे के बंद किया, अगर है फायदेमंद है तो क्यों नहीं पूछा गया किसी से। और आज कानून बना दिया गया, आज वही मांग हम कर रहे हैं कि भैया इसको जो किसी तरह से भी जो है, जब राज्य के जो आपने उस टाइम तो आपने राज्य का कहा था, आज किसी राज्य वाले से पूछा भी नहीं गया। और 6 महीने के अंदर जून के अंदर इन्होंने आपने कानून बनाया, सितंबर के अंदर इनको आपने लागू भी कर दिया। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, 26 जनवरी बिल्कुल करीब है, सरकार वापस नहीं ले रही है बिल, किसान जीत पे अड़े हुए हैं, तो आप लोग 26 जनवरी किस रूप में मनाएंगे और कहाँ मनाएंगे? देखो, हम तो ऐसा है, देखो जो हमारे जो संगठनों का वो है अच्छी, वो जो दिन है 26 जनवरी, हम उस पर वो नहीं करना चाहते, मगर हम तो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहेंगे। हमारे संगठन ये सलाह भी कर रहे हैं, कुछ तो हमारी यही है कि हम जो है प्यार से जहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, चाहे 2 महीने बैठे 6 महीने बैठे, वो जो किसान जो है अपनी लड़ाई जो है वहीं बैठ कर करेगा। अगर कोई ऐसा कोई हो भी जाता है तो आगे 19 तारीख जो है हमारी मीटिंग है, अगर वहाँ से कुछ कोई होता है तो आगे जाके सलाह करेंगे भी कैसे। अच्छा, 19 तारीख में बैठक है आपकी कृषि मंत्री जी के द्वारा, तो उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आज यहाँ पे मीडिया के सामने? भाई, हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से मोदी जी, जब हम आपको किसानों ने आपको बनाया था ना, ये सोच के बनाया था भी आप एक बहुत जो है होनहार और संत की पदवी थी। मेरा अपना खुद का मानना है कि जो है मोदी जी एक जो बहुत बढ़िया और बड़े बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो इन्होंने काम जो हमारे नहीं किया, मगर कुछ ऐसा ये ऐसा क्या इनको वो था कि भाई एक जो अन्नदाता था और जो परोसने वाला नहीं था, जो खुआने वाला नहीं है, जो अगाने वाला है, आज वो जो है वो सड़क पर बैठा हुआ है, जो सभी का पेट भर रहा है जी। अच्छा, दिल्ली के लिए किसान कूच कर रहे हैं जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से, प्रशासन उनके साथ अभद्रता कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश और भी राज्यों की जो भी सरकारें हैं उनसे किस तरीके की मांग करना चाहेंगे अध्यक्ष जी? मैं तो यही करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी मैं मोदी जी से एक ही कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो बार बार आप जो बार बार जो है संगठनों की मीटिंग जो बुलाई जा रहे हैं आप, तो ये ठीक नहीं है। हमें भी पता है कि आप जो 19 का भी जो मसला है उसके अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह ये जो पहले जब नहीं निकला तो अब कैसे निकल जाएगा वहाँ से, पर आशा है, हम बार बार जाते हैं उनके पास भी, शायद आज भी कर देगा, आज भी कर देगा। हम किसान नहीं चाह रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई, किसान तो ये चाह रहा है किसी तरह मोदी जी हमारा जो मसला हल कर दे और हम घर पे अपने चला जाए और इनका मान सम्मान करेंगे। अच्छा, वो 60 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है, सरकार से किस तरह की उनके परिवार के लिए, उनके खुद के लिए, सदस्यों के लिए किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार से? मैं तो यही कहूँगा, देखो जब जब हर आदमी के लिए जब कोई भी शहीद हो जाता है, तो ये आज जो बच्चे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हुए, शहीदी का जो उनका जो है और कुछ नहीं था, उनको कम से कम ज़्यादा जो है जैसे दूसरों का करोड़ करोड़ रुपये मिलता है और बच्चों का नौकरी और कुछ नहीं, तो उनको शहीदों में ही जो है कम से कम उनको जो उसमें डाला जाए, नहीं तो फिर कम से कम जो उनको एक बच्चे को नौकरी जो है या जो करोड़ रुपए का जो प्रावधान हो दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो उनसे मोदी से यही कहते हैं, पहली बात तो ये 3 अध्यादेश जो काले कानून जो लेके आए हैं, अगर किसी तरह उनको जो है वापस ले तो ये हमारी ये संगठनों की तरफ से और आप प्रदेश की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी ये कह रहा हूँ अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से भी कि भाई किसी तरह से भी ये ले लो। हम तो ये जागृति करने आ रहे हैं कि भाई जब हमारा पंजाब में और ये आंदोलन चल रहा है तो ये यूपी जो है थोड़ा कम है, तो उनको इनको भी अनुरोध करने आए हैं कि भाई किसी तरह से भी है आप भी जो है कम से कम जो है दिल्ली के अंदर जो है 26 को है जब बॉर्डर पर जो है कम से कम और नहीं पूछे, ये पैसे लेके हम यहाँ पहुँचे हुए। अच्छा, आज जो आप यहाँ आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं और किस चीज़ का दौरा है, क्या क्या मीटिंग लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पे? भाई सबसे पहले तो यही है कि 3 अध्यादेश लेके आए हैं, ये कानून लेके आए हैं, जो सरकार लेके आई इसके प्रति बता रहे हैं कि भाई ये गलत है। कौन सी जगह आए हुए? मैं सबसे पहले तो हमने दलपुर के अंदर डॉक्टर रवान जो हमारे रिजवान जी हैं वो जो है राष्ट्रीय युवा मोर्चा के जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं और प्रमुख मेरे जो हैं वो जो है राष्ट्रीय जो प्रधान भी हैं वो हमारे, और उसके बाद फिर हम जो है रामपुर के अंदर गए थे, वहाँ रामपुर में हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमारे सलीम जी हैं वो प्रदेश के जो है हमारे जो है स्टेट प्रेजिडेंट हैं। यहाँ जो आप मुरादाबाद आए हैं, किस तरीके की यहाँ के किसानों से और जनता से गुजारिश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनसे? बस उनका यही अनुरोध कर रहे हैं कि देखो ये जो मोदी जो सरकार है, ये जोगी जी जो है, जोगी जी से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है बड़ी तरीके से बढ़िया चल रही है,
और हमें भी पता लग रहा है बहुत बढ़िया, मगर कुछ ना कुछ जो है आप भी जो है एक मुख्यमंत्री है और संत का जो आपका जो है एक बहुत बड़ा पदवी है और वो कहकवा के आप जो है तो मोदी जी को भी आप कहिए आपकी बात मानता है किसी तरह से, कुछ ना कुछ जो उसके अंदर जो है MSP पे जो हम कहते हैं ज़्यादा नहीं तो शायद में SP पे भी जो कानून बने और उसमें प्रावधान हो कि जो MSP पे नीचे कोई अगर दान खरीदता है तो उसको कम से कम जो है 5 साल की उसके अंदर जो है उसको सज़ा होनी चाहिए और इससे कम जो खरीदता तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक कानून बने और MSP पे रेट पे उनको जो है ऐसा कानून बनाया जाए जो उसे कम जो ना खरीद। अच्छा बताया जा रहा है कि आप मुरादाबाद आए हुए हैं, अगर 19 तारीख में कृषि मंत्री द्वारा बैठक विफल नहीं हो पाई है तो यहाँ आप लोग गुजारिश अपील करने आए हैं ज़्यादा लोग इकट्ठे हों दिल्ली के लिए, इस तरह का कोई मैसेज? नहीं, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो है वहाँ जा बैठ के हम तो धरने पे बैठे हुए हैं वहाँ, और इनको भी कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ कम से कम हो नहीं, यहाँ भी समझाइए और वहाँ भी जाइए। देखो ये कानून जो छोटी सी बात नहीं है, जो कानून जो लेके आई है वैसे सड़कों पर किसान नहीं बैठा हुआ है, इनको समझ आ चुकी है और यही जो है मध्य प्रदेश के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है और वहाँ भी लोग क्या है आप वहाँ जाइए और वहाँ के क्या लोग करते हैं, उन बेचारों ने क्या कर रखा है जो 20 किले का मालिक है और 10 एकड़ का आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, 10 किसी और को दिया और वो दवाई एक ही उन्होंने डाल रखी है उसी के अंदर और एक का सैंपल जो पास कर दिया और एक का नहीं किया है। वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ सतना के अंदर शडौल के अंदर मेरे दौरे थे, वहाँ भी हम गए, वहाँ सारा मिल के आए, वहाँ देख के आए हैं तो वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है। आज भी आप देख सकते हो वहाँ जाके जो आज जो है इतना धान लोगों का वहाँ पड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठा ही नहीं रहे और कह रहे हैं पास करवाने में भी पैसे मांगते हैं, लोगों का बीजा पड़ा है। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर सरकार आपका कृषि कानूनों पर वापसी का मामला नहीं करती है पूरा, क्या कुछ करेंगे आगे? देखो 19 तारीख के बाद जो है कुछ ना कुछ जैसे हमारी संगठन है सारे बैठ के फैसला करेंगे, तो वैसे तो जो हमारा जो है ना हम यही चाहेंगे कि भाई हम जो है वहाँ बैठे हुए हैं और डट के बैठे रहेंगे, चाहे हमारा 2 दिन चले 6 महीने चले या कैसे है, जो मोदी जी सुबह हमें भेज दे तो हम जो है अपने घर पे जो है लौट जाएंगे सारे के सारे और सबको बड़ी खुशी खुशी जाएंगे हम। अच्छा उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे इन केंद्र के मोदी सरकार के और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, जहाँ यूपी के अंदर भी बढ़िया तरीके से चल रही थी, हम देख रहे हैं जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ सिस्टम था बहुत बढ़िया कर रहा था, आज वहाँ ऐसा क्या आ गया कि जो किसानों को जो बिजली दिया आपने उनका ही चूल्हा बंद करने जा रहा है, चाहे कोई कहीं भी प्रदेश के अंदर हो। वहाँ तो आपको पता है ना कि भी आज जो एक निरा को हरियाणा पंजाब का जो वो आंदोलन नहीं है, ये आज प्रदेश का बन चुका है वहाँ का सारे का और आज प्रदेश को ये बात का पता चल चुका है। देखो आपके सामने की बात है कि किसान का जो प्याज है वो 10-20 रुपए आलू और जो रेडी वाले के पास उनका कोई कानून नहीं है, जो रेट का मर्जी बेचे वो 80 रुपए किलो। अभी आप भिंडी खरीद के चले जाओ, आज वो भिंडी किसानों की भिंडी जो है जब लेके जाते हैं तो वो 10-20 रुपए किलो के लिए और आज 100 रुपए, आज अपने इलाके से भी देख लो मेरे का 100 रुपए से कम जो है आज भिंडी का रेट नहीं है, तो क्या उनको बेचने का अधिकार है? जो किसान है जो 6 महीने की फसल करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए MSP रेट जो भी उससे कम जो है जो व्यापार जो है ना खरीदे जाए? और अब हमको बताना चाहते हैं पंजाब के अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ हुई थी और वहाँ जो किसानों ने वहाँ आलू लगाया था और आलू पहली बार तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आलू लगवाया और आलू लगाया लोगों ने बहुत खूब आलू लगाया पंजाब के अंदर, इतना आलू हुआ कहने की बात नहीं, उठाया दूसरी बार भी इन्होंने उठाया, तीसरी बार इन्होंने क्या करा एक लोहे का छल्ला ले लिया, लोहे के छल्ले में से जो आलू निकलता था 3 रेट बना दिए, जो बढ़िया आलू निकलता था वो एक साइड में कर दिया, जो दूसरा निकलता एक साइड में कर दिया और जो ब्रीक था वो 3 रेट कर दी। जब उन्होंने करंट फार्मिंग करी थी तो उसके बाद वो वही आलू जो है वो छड़कों पे वो के गिरा था, वही आगे लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये जो है जो मोदी सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई ये बहुत ही खतरनाक है। जो आज आपको 20 रुपये आटा मिल रहा है, जब आप देखो जो 20 रुपये आटा आज आपको मिल रहा है ये किसानों का नहीं है, किसान तो जो कर रहे ठीक है, हर आदमी के लिए चाहे मजदूर है चाहे किसान है चाहे व्यापार मंडल है, छोटे हैं बड़े जो है वो 17 जैसे जैसे बड़े बड़े लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और जो नीचे जो लोग तबका है वो कहाँ से खरीदेगा और उनको इतना भारी पड़ जाएगा। मैं आज सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं मोदी जी से भी और इनसे कम से कम जो है इन गरीबों के बारे में सोचिए, वो इतना एक एक उनके पास तो पहले ही बहुत है, जहाँ MSP नहीं है जहाँ इसलिए तो वहाँ ये लोग जाए ना,
ये पंजाब हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं? तो पहले जहाँ जहाँ वो उन्होंने करवा रखा है वो बहुत गलत है। आज हर ये हमारा भी कुछ नहीं है, आज संगठनों का इसके अंदर कुछ नहीं है, आज ये युवा खड़े हुए हैं ना आपके अंदर। ये हम कोई बाहर थोड़ा सा सलाह करके आते हैं तो बाहर आके ये युवा ये कह देते हैं भाई ऐसा काम नहीं है, हमें पता लग चुका है हमारी ज़मीनें जो हैं खुश जाएंगी, तो हम जो है ना ये खुशने नहीं देंगे, हम तो ये जो है तीन अध्यादेश कानून है ये वापस करवा के जाएंगे। तो हम जो 19 तारीख की मीटिंग देख रहे हैं, गुरु कृपा कर दे मोदी जी को इस बात की समझ आ जाए, तोमर जी को भी आ जाए, तो किसी ना किसी तरह से जो है ये जो है बिल जो है हो सकता है 19 को कोई ऐसा कोई रास्ता गुरु निकाल दे, इनको सद्बुद्धि दे परमात्मा और ये कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए आप लोगों की दुआएं से। तो आज जो है हम जो जो आए हुए हैं यहाँ आज नूर मोहम्मद जी के यहाँ भी हम यहाँ इन पे घर पे जहाँ आए हुए हैं तो आपके सामने ही है सारा, तो हम धन्यवाद देते हैं सभी हमारे जो संगठन के पदाधिकारी, हम इनको भी यही कहना चाह रहे हैं कि बढ़िया प्यार से जहाँ भी करना है अनुशासन में रह के रखना है चलना है, किसी के साथ ऐसा किस नहीं, जो प्रीस हमें मारती भी है कोई प्रशासन हमारे साथ कोई ऐसा करता भी है, हमने एक ही सारे संगठनों की हमारी एक पहचान, संयुक्त मोर्चा की हमारी एक ही वो पहचान है कि भी हमने इनके ऊपर डंडे नहीं बरसाने हैं, ये हमें भले ही जितना मर्जी मारे जो मर्जी करे हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। मैं तो इनको भी यही सलाह दे के जाऊँगा अनुशासन में रहकर ही बड़े प्यार से ढंग से लड़ाई प्यार से जीती जाती है, कभी लड़ाई से नहीं वो धक्के से नहीं जीती जाती। तो हम तो लास्ट में मोदी जी से और योगी जी से इसकी सरकार है ये सब कुछ कर सकते हैं लोग, इनके पास पावर्स है तो ये कम से कम वहां तो ये जो है। अच्छा अध्यक्ष जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को अपने पास से पास नहीं करने बताया तो सरकार आखिर उन्होंने पास क्यों किए थे और आखिर मान क्यों नहीं रही है सरकार? देखिए क्यों मानेंगी, जब जिन मैंने बताया पहले आपको मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ कि 2017 के अंदर ये गोदाम बन चुके हैं, ये अंदर खाते के अंदर सब कुछ ये पहले पास हो चुका है, ये तो लोगों को सिर्फ एक मोर बनाने के लिए पब्लिक को बनाने के लिए भी हमने हम किया है, ये तो पहले ही पास हुए पड़े थे। आप लोगों के लिए चार लोगों की गठन भी बनाया गया था उनसे बात करने के लिए, तो क्या आप लोगों की उनसे बात वार्ता हुई पाई? बिल्कुल नहीं जनाब, किसी से भी नहीं करेंगे, और कोई भी आदमी उसमें से एक जो है जो सरदार जी मान सिंह जी उन्होंने वो जो उनके अंदर ये कह दिया है कि भाई मैं जो है इस कमेटी के अंदर नहीं हूँ, मेरा इस्तीफा है, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया लेकर दूसरे भी आशा है शायद वो भी भेज दे, तो बड़ी अच्छी बात है, भेजना भी चाहिए जब जो जो 19 तारीख में आप लोगों की कोई वार्ता सही नहीं होती है। हाँ जी, तो आगे आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, प्रदर्शन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जैसे हम वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको भी सलाह दे रहे हैं कि जो है हम ज़्यादा वो है, हम तो बैठ के ही लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़े प्यार से लड़ेंगे, कोई ऐसा अनुशासन में रह के लड़ेंगे ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। अगर कोई हमारे किसी संगठन का बीच में आ भी जाता है तो हम उनको ये कहेंगे कि भैया जो लड़ाई जो है हम जो है बड़े प्यार से बैठ के जहाँ बैठे हुए हैं और वहीं से बैठ के हम अपनी लड़ाई जीतेंगे और वहीं अपना वहीं बैठेंगे। एक मिनट दो मिनट।